भैया लोग नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे कन्या पूजन और माता सिद्धदात्री देवी का दर्शन करेंगे। मैं और हमारे सीनियर विवास आनंद श्रीवास्तव जी सर हैं, इन्हीं के साथ आज दर्शन करने का मौका मिला। आप भी दर्शन करिए। कन्या पूजन कोई जरूरी नहीं कि घर में बैठ के किया जाए। कन्या पूजन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ ऐसा भी होता है। तो ये हम चलते फिरते लोग हैं और चलते फिरते लोग अपनी मनोकामना को कैसे मानते हैं और कैसे पूरा करते हैं और कैसे करते हैं आपको जरूर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और हमारे सारथी बने थे ये पंडित जी, ये साहब है। नमस्कार। आपका नाम क्या भैया? धर्मेंद्र चौबे। धर्मेंद्र चौबे जी हैं और ये राजधानी लखनऊ से आए हमारे साहब को लेकर के, हमको भी साथ में लेके गए, इनको भी मौका मिला कन्या पूजन में। तो आप देखिए, और इस समय एक होटल के रूम में हम लोग रुके हुए हैं। उसके बाद अगली क्लिप में आप देखते रहिए, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगे तो भैया चार लोगों को जरूर बता दो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम जब आप लाइक करते हो ना तो चार लोगों को और बेचता है कि हाँ अच्छा काम है। और अच्छे काम को तो भाई लाइक तो बनता ही है। नवरात्र की नवमी को कन्याओं के लिए, चूंकि पूड़ी सब्जी चना हलवा सारे लोग खिलाते हैं, हमारे साहब विवास आनंद श्रीवास्तव जी लखनऊ से चल करके आए हैं बनारस, और यहाँ पर माता सिद्धदात्री देवी का दर्शन करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे और कन्याओं को ये एक एक पैकेट भेंट करेंगे। बच्चों काफ़ी पसंद होता है, कुछ मनौती होगी, पूरा हुआ होगा या कुछ मांगना होगा। साहब कुछ मांग रहे हैं कि साहब पूरा नहीं, हुआ नहीं, नहीं, सिर्फ खिला, सिर्फ खिला रहे हैं श्रद्धा के अनुसार। तो ये है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें बहुत अच्छा सिखाती है, देना सिखाती है, सम्मान करना सिखाती है। तो ये बच्चों के लिए है अष्टमी और नवमी में। तो आपका नवमी को संयोग बना और यहाँ पर सिद्ध माता दात्री मंदिर का दर्शन करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे, उसके बाद बाबा काल भैरव के यहाँ हाजिरी लगाएंगे। और हमारे इस चैनल के माध्यम से जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं सारे लोगों का कल्याण हो। ये हमारे दो साथी हैं भाई, देख ले। हाँ हेलो कर लो, जय माता दी बोल दो जोर से, माता दी। और जोर से जय माता दी। हाँ जी सर, आप भी जय माता दी। नवरात्र का नौवां दिन और सिद्धदात्री माता मंदिर, ये सिद्धेश्वर माता मंदिर भी कहा जाता है। देखिए सिद्ध माता जी का ये मंदिर है और आप दर्शन कर रहे हैं सिद्ध माता मंदिर यानी सिद्धदात्री माता का, और यहीं से सिद्धि मिलती है। हमारा हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में हम छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, उनको खुश करते हैं, उनका चरण रज लेते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये लड़कियां देवी का स्वरूप हैं और हम इन्हें खुश रखेंगे तो माता भवानी आदि शक्ति दुर्गा हमको खुश रखेंगी। ये हमारी सोच है और हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हम अपनी बेटियों को एक सम्मान देते हैं और उनकी इज्जत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हम बेटियों से पैर नहीं छुआते हैं, बल्कि हम उनका पैर छू करके एक देवी मान करके उनको सम्मानित करते हैं, हम कन्याओं से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है,
हमारी परंपरा है, हमारा सनातन धर्म है। हमारी बेटियां हमारी देवी हैं, वो किस रूप में देवी हैं ये निर्भर करता है कि हम किस रूप में देखते हैं। बेटियों के मामले में ना कोई जात जानते हैं, ना कोई धर्म जानते हैं, ना हम ऊंचा जानते हैं, ना हम नीचा जानते हैं। बेटियां बस बेटियां होती हैं और बेटियों में हम देवी को ही देखते हैं। यहाँ पर कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। हम अपनी बेटियों को अपनी देवी मान करके, उनको इष्ट देवी मान करके, आदि शक्ति मान करके, महादेवी मान करके, लक्ष्मी मान करके, सरस्वती मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और इन्हीं से कहते हैं कि आप ही हमें आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ इसी वजह से है। इस तरीके का कन्या पूजन बिल्कुल अलग हट के यह कन्या पूजन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं और विभास जी दोनों सौभाग्यशाली हैं क्योंकि मेरे पास भी एक बेटी है और विभास जी के पास भी दो बेटियां हैं। जिनके पास बेटियां नहीं होती वो भाग्यशाली जरूर होते हैं लेकिन सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। अंत में बस हमें अपनी दुआओं में याद रखना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।